नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। 24 घंटों में 54,069 नए मामले, 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 64.79 लाख लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया है और अब तक देश में कुल 30.16 करोड़ लोगों की वैक्सीन मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं की आज पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार इतना बड़ा जमावड़ा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद आज पहली बार केंद्र और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हो रही इस बातचीत में जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 14 नेता शामिल हो रहे हैं। कलाम के बाद कोविंद होंगे ऐसे राष्ट्रपति जो 15 साल बाद करेंगे रेल यात्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित अपने जन्म स्थान पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 15 सालों में यह पहला मौका होगा जब देश का कोई राष्ट्रपति रेल यात्रा करेगा। 14 लाख के इनामी माओवादी हरिभूषण की कोरोना की वजह से मौत, 16 अन्य की भी कोविड संक्रमण से गई जान। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बुधवार को बताया है कि पुलिस को जानकारी मिली है कि 21 जून को माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य हरिभूषण उर्फ यापा नारायण की कोविड 19 संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 28 जून से शुरू होगा नर्सरी एडमिशन। दिल्ली स्थित सरकारी सर्वोदय विद्यालय की शुरुआती कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया 28 जून से शुरू होगी। पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा, 18 रुपए महंगा हो चुका है तेल। पिछले साल 24 जून 2020 को दिल्ली में पेट्रोल के रेट 79.76 रुपए था। इस प्रकार से इस साल की कीमतों में 18 रुपए तक बढ़ोतरी आई है। WTC फाइनल, भारत को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड बना चैंपियन। कोहली का टूटा ICC ट्रॉफी जीतने का सपना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में छठे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 8 विकेट से हराकर ICC के इस पहले टेस्ट खिताब को अपने नाम कर लिया है। दूसरी से ज्यादा भयानक होगी कोरोना की तीसरी लहर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा है कि यदि प्रभावी रोकथाम रणनीतियों और कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाता है तो तीसरी लहर के मामलों की संख्या उस हद तक नहीं होगी कि स्वास्थ्य प्रणाली दबाव में आए। ब्लैक सी में ब्रिटेन के युद्ध पोत पर रूसी नौसेना की फायरिंग, लड़ाकू विमान ने की बमबारी। रूसी नौसेना ने बुधवार को ब्लैक सी में गश्त कर रहे ब्रिटेन की रॉयल नेवी के युद्ध पोत SMS डिफेंडर पर फायरिंग की है। इतना ही नहीं, रूस के ASU-34M लड़ाकू विमान ने जहाज के रास्ते पर बम गिराकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में नहीं टला कोरोना का खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा है कि राज्य में कोविड 19 के दैनिक मामले की संख्या 8,000 के स्तर से नीचे नहीं आना चिंता की बात है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने खारिज की नीरव की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी। भगोड़े के पास बचा अब यही रास्ता। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका ब्रिटिश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी ने लंदन हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। ईरानी मीडिया ने कहा असैन्य परमाणु केंद्र को नुकसान पहुंचाने वाला हमला नाकाम किया गया। ईरानी अधिकारियों ने राजधानी तेहरान के निकट असैन्य परमाणु केंद्र को नुकसान पहुंचाने वाले हमले को नाकाम कर दिया है। 2 हफ्तों के अंदर शरद पवार से तीसरी बार मिले प्रशांत किशोर, अटकलों को मिली हवा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP के सुप्रीमो शरद पवार से उनके आवास पर एक पखवाड़े में तीसरी बार मुलाकात की है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड WTC फाइनल, 2 बार कोहली का विकेट लेना अद्भुत था। क्राइल जेमिसन, अपनी टीम की जीत में अहम योगदान देने के बाद जेमिसन ने इस बात की खुशी जताई है कि उन्होंने अपना काम अच्छे से किया और उनकी टीम विजेता बनी। सुशांत सिंह राजपूत, दिवंगत अभिनेता के जीवन पर कथित तौर पर आधारित फिल्म की रिलीज के बारे में कोर्ट ने मांगी जानकारी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह जानना चाहा है कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित न्याय द जस्टिस फिल्म पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 11 जून को रिलीज हुई थी या नहीं। WTC फाइनल, विराट कोहली ने दिए संकेत, टेस्ट टीम में गहराई लाने के लिए करने होंगे बड़े बदलाव। कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि
हमें चीजों को बदलने के लिए एक साल का समय नहीं लगाना होगा और वनडे T20 क्रिकेट की तरह टेस्ट क्रिकेट में भी गहराई लानी होगी। प्रेग्नेंट मिश्रा जहां ने स्विमिंग पूल में कराया फोटोशूट, दिखा बोल्ड अंदाज, वीडियो हुआ वायरल। नुसरत जहां इस वीडियो में पानी के साथ खेलती हुई नजर आ रही हैं। उनका ये फोटोशूट फैंस को काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, नो रिस्क नो स्टोरी। सलमान खान के खिलाफ वीडियो टिप्पणी पोस्ट नहीं कर सकेंगे KRK, अदालत ने लगाई रोक। दीवानी अदालत के न्यायाधीश CV मराठे ने सलमान खान द्वारा कमाल खान के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में है अंतिम आदेश पारित किया है। सिद्धार्थ शुक्ला जीत चुके हैं खतरों के खिलाड़ी का खिताब। चीन को चेतावनी, भारत अमेरिका ने हिंद महासागर में शुरू किया युद्धाभ्यास। वर्चस्व और दादागिरी दिखाने के मकसद से हिंद महासागर की ओर नजर गड़ाए बैठे चीन को आज एक बार फिर से मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि आज भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर में 2 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू होगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेशनल TV वंशिका चौहान के साथ।